लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से भाजपा और सपा कांग्रेस गठबंधन आमने सामने होंगे। यूपी में 10 विधानसभा सीट खाली हुई हैं। इन सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर पार्टियों में मंथन शुरू हो गया है। पार्टियां इन सीटों पर जीतकर अगले विधानसभा चुनाव के लिए संदेश देना चाहेंगी। लोकसभा में हारी भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जबकि विपक्ष इन सीटों को जीतकर अपने लय को कायम रखना चाहेगी। अखिलेश यादव को कन्नौज से सांसद चुन लिया गया है। ऐसे में उनकी करहल विधानसभा सीट पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। माना जा रहा है कि इस सीट पर अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा जा सकता है। इसी तरह सपा के मलकेपुर विधानसभा से विधायक अवधेश प्रसाद भी अयोध्या से सांसद बन गए हैं। गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग, हाथरस से विधायक अनूप वाल्मीकि और अम्बेडकर नगर के कटहरी से विधायक लालजी वर्मा, फूलपुर से प्रवीण पटेल, मिर्जापुर के मझवा के विधायक डॉक्टर विनोद बिंद और भदोही के सांसद चुने गए हैं। मीरापुर से आरएलडी विधायक चंदन चौहान बिजनौर के सांसद चुने गए हैं। इसके अलावा सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी के केस में 7 साल की सजा सुनाई गई है, जिससे उनकी सदस्यता भी चली गई है। इस प्रकार सपा और भाजपा की 5-5 सीटें खाली है, जहां उपचुनाव होनी है। इस चुनाव में दोनों ही खेमे की इज्जत दांव पर लगी हुई है। बता दें कि यूपी में खाली हुई विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा और भाजपा दोनों का रणनीतिक परीक्षण होगा। खाली सीटों में 5 सपा की है और 5 भाजपा की। ऐसे में भाजपा अपने सीटों के साथ में सपा की सीटों को भी जीतकर अपना डैमेज कंट्रोल करना चाहेगी। वहीं सपा लोकसभा में अपनी जीत की लहर को बरकरार रखना चाहेगी। आपको क्या लगता है, उपचुनाव में कौन जीत रहा है? कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं।